अब बढ़ते हैं आगे, दिल्ली की बात करते हैं। एक बड़ी खबर, निकाय चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। नए सिरे से आरक्षण तय का काम भी होगा शुरू। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की मांग की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बता दें आपको, दिल्ली से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। नए सिरे से आरक्षण तय करने का काम भी शुरू होगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की मांग की जा रही है। ये जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं आपको, चुनाव से जुड़ी हुई दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की मांग। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जो कि इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से बड़ी खबर जुड़ी हुई ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से होगी। आरक्षण तय करने का काम शुरू होगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की मांग की गई है। तो नए सिरे से आरक्षण तय करने का ये पूरा मसला, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुनाव कराने की मांग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति यहां पर होगी। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया जो है वो नए सिरे से होगी। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम काम रुक कर रहते हैं। शुभम, सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी सुनवाई निगम चुनाव को लेकर, नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सुनवाई होगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीते दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर के अपनी रिपोर्ट जो कमेटी थी उसने सौंप दी थी और अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है और उसके बाद इस पूरे मामले पर जो भी कोर्ट की तरफ से निर्णय होगा उसके बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव किए जाने हैं। तो लिहाजा आज महत्वपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव से को लेकर के, ऐसे में आज सभी की निगाहें कोर्ट की तरफ है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया आपका शुभम। और हमारे साथ इस वक्त अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद, काम सीधे रुक कर लेते हैं। अरविंद, क्या जानकारी है, चूंकि इस पर निकाय चुनाव टिका हुआ है, आरक्षण प्रक्रिया नए सिरे से होगी, कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए 11:30 बजे के आसपास उम्मीद थी कि मामला सुनवाई पर आएगा और 4 जनवरी को बिना इलेक्शन के चुनाव कराए जाने की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसके साथ ही जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव है उसका रास्ता एक तरीके से रुक गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोर्ट को कन्विंस किया गया था कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया है और उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही पहले ओबीसी आरक्षण तय होगा और उसके आधार पर ही आगे चुनाव का रास्ता साफ होगा। अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे दी है, लेकिन सरकार के जरिए रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई है। अगर कोर्ट कन्विंस होता है कि आयोग की रिपोर्ट में जो कुछ चीजें ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो कि मापदंड है कि अगर ओबीसी का आरक्षण दिया जाना है तो उसका एक मापदंड होना चाहिए, अगर उन मापदंड के ऊपर रिपोर्ट खरी उतरती है तो कोर्ट से आज ये साफ हो सकता है कि आखिर किस तरीके से जो स्थानीय निकाय का चुनाव है वो कराए जाएंगे, कब कराए जाएंगे, ये सारी चीजें आज कोर्ट की सुनवाई के बाद काफी हद तक साफ होने के लिए। ठीक, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अरविंद।